अब देखो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड कॉपी। अब अगर कोई मूवीज या वेब सीरीज के बस कुछ सीन्स या पोस्टर्स दूसरे मूवीज या वेब सीरीज से मिलते जुलते हैं तो उसे हम इंस्पिरेशन बोलेंगे और इसमें कुछ गलत नहीं है। बट कॉपी करना मतलब दूसरे मूवीज के पूरे स्टोरी लाइन को अपनी मूवी में चिपका लेना, ये गलत होता है। तो इतने प्रवचन के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मूवीज के बारे में जो या तो एक इंस्पिरेशन से बनी है या फिर पूरी कॉपी ही करके, और साथ ही हम कुछ मूवीज के बिहाइंड द सीन्स को भी देखेंगे विद सम मीन। यार इस मीम से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का स्टार्ट ही हम किस मूवी से करने वाले हैं। गाइस 2008 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी को तो लगभग सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। भाई पसंद ही क्या, इसे तो मुहावरे की ही तरह यूज किया जाता है, गलती से कभी भी कुछ भूल जाओ तो सुनने को मिलता है गजनी हो काबे। वेल जो भी हो, बट इतने फेमस होने के बावजूद भी कि आप यकीन करोगे कि ये मूवी हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। आप सबसे पहले ये दो पोस्टर्स को देखो, इसमें से ये हॉलीवुड की मेमेंटो मूवी 2001 में रिलीज हुई है और वहीं एक गजनी मूवी 2008 में। गाइस इस मेमेंटो मूवी में भी एक आदमी जो अपनी याददाश्त भूल चुका होता है वो अपने वाइफ के मर्डरर को ढूंढता फिरता है और अपने इसी प्रोग्रेस को याद रखने के लिए अपने बॉडी में जरूरी इन्फॉर्मेशन को टैटू करवाता है, बहुत से नोट्स बनाता है और बॉडी भी बनाता है। इन दोनों की स्टोरी लाइन काफी सिमिलर है और काफी इंटरेस्टिंग भी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यार इस डायलॉग को सुनकर आपको क्या लग रहा है, हमारे चाचा जी की ऐसी क्या जरूरत थी कि उन्हें चांदी का चम्मच लेकर चांदनी चौक तक जाना पड़ा। इसमें तो पक्का मुझे चाची जी का बिहेवियर बीड़े के स्कूटर के नंबर की ही तरह 420 वाला लग रहा है। कोई वैसे यार जब बात चाची की हो रही हो, चाचियों के फेमस चाची 420 को कैसे भूल सकते हैं। यस गाइस 1997 में रिलीज हुई कमल हसन की चाची 420 बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप कॉमेडी मूवीज की लिस्ट में आता है। और भाई बचपन में आपने सभी ये मूवी को तो जरूर से देखा होगा, बड़े यारो आप में से बहुत कम ही को ये पता होगा कि ये चाची 420 मूवी हॉलीवुड की मिसेस डॉटफायर से इंस्पायर्ड है जो अमेरिका में से ठीक 4 साल पहले रिलीज हुई थी। इसके स्टोरी लाइन को अगर आप देखोगे, इसमें भी एक बेचारा पति अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने भाई की हेल्प से एक ओल्ड लेडी बनता है और उसके बाद जो धमाल होता है वो तो आपने मूवीज में देखी ही होगी। 1991 में आई अ किस बिफोर डाइंग एक बहुत ही यूनिक मूवी थी। इस मूवी में हमें मेन कैरेक्टर के रूप में जोनाथन नाम का एक साइको देखने को मिला था जो डोरोथी को शादी का झांसा देकर उसे बिल्डिंग से गिराकर मार देता है और फिर उसी की बहन एलिन से शादी करता है। और जब डोरोथी के मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटने लगता है तो फिर जोनाथन सारे गवाहों को मारने लगता है। ये तो हो गई इस हॉलीवुड मूवी की स्टोरी, बट यार की आपको ये स्टोरी जानी पहचानी नहीं लग रही है। यस गाइस ये सेम स्टोरी है 1993 में आई बाजीगर मूवी की, जिसमें मूवी के मिर्च मसाला और गाने के साथ जोनाथन की जगह अजय होता है, सीमा की जगह डोरोथी होती है और उसकी बहन एलन की जगह प्रिया होती है। भाई पहले इंटरनेट नहीं था तो कुछ नहीं पता चलता था, बट अब जियो का जमाना आने के बाद बाजीगर का भी जिगर हिल गया होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, इस आइकॉनिक डायलॉग को सुनकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अब हम किसकी बात करने वाले हैं, कोलार गोल्डफील्ड्स यानी KGF। गाइस इसका चैप्टर 1 तो दमदार है ही, बट इसका चैप्टर 2 भी काफी दमदार है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी में भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हॉलीवुड के वाइकिंग सीरीज से काफी इंस्पायर्ड है और वो है अधीरा। अगर आपने मूवी के इस पोस्टर पर गौर किया होगा तो आपको इन दोनों पोस्टर्स के बीच काफी सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, और भाई आएंगी भी क्यों नहीं, ये पूरा कैरेक्टर वाइकिंग से इंस्पायर्ड है और ये बात KGF के डायरेक्टर ने भी बताई है और मूवी ने भी। अधीरा बचपन से ही वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और बात करें अगर इसके बिहाइंड द सीन्स की तो यार ये पूरी ही मूवी KGF जो कि कर्नाटका में है वहीं शूट की गई है। बहुत पहले ही गवर्नमेंट ने KGF जगह पर चल रहे काम को बैन कर दिया था, बट फिर भी ये शूटिंग के लिए आज भी अवेलेबल है। चैप्टर 1 की तरह चैप्टर 2 की शूटिंग में भी कम से कम VFX एंड ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ चीजों का यूज किया गया है। देखो यारो अब जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ ना, वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड कॉमेडी मूवी है और ये मुझे बचपन में लगता था, बट अब इसकी रियलिटी जानकर ना भाई दिल टूट गया यार। मतलब यारो ऐसा नहीं है कि इसके एक दो सीन्स कॉपी हैं, बट इसकी तो पूरी स्टोरी लाइन ही कॉपी है। यस गाइस अब तक हंसा हंसा कर पागल बनाने वाली मूवी ने हमें पागल भी बनाया तो उस मूवी से कॉपी करके जिसमें 4 बार पागल आता है। 1963 की इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड एक ऐसी मूवी है जिसको देखकर ही आपको धमाल के याद आ जाएगा। आप यहाँ पर कुछ सीन्स को भी देख लो जिसे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मूवी कॉपी है या फिर नहीं। सो यार इतने नॉलेज के बाद इट्स फाइनली टाइम फॉर सम मीम्स। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो।
बादशाह इन हिज सॉन्ग्स, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। बादशाह इन रियल लाइफ, पुलिस इशूज नोटिस टू गुरु रंधावा सुजैन खान आफ्टर रेड एट मुंबई क्लब। बादशाह एस्केप्स फ्रॉम बैकडोर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हैरी पॉटर आफ्टर वॉचिंग अंदाज अपना अपना। तेजा मैं हूँ, मार्क इधर है। गोपी बहू अल्ट्रा प्रो मैक्स। गंज का है मेरी। गंज? गंज तो यह है, बहुत गंदी हो गई थी, लगता तुमने उनको सालों से साफ नहीं किया। मैंने उनको खोल खोल के साफ किया, जोर तुम खुद लेना। छोटी बच्ची हो क्या? टीचर राइट ऐसे ऑन योर बेस्ट फ्रेंड। उसे हमने अपने गोद में सहलाया और उसकी तमाम परवरिश हमारे हाथों से हुई। खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन एक बाप और बेटे का गहरा रिश्ता रहा है। तो यार बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर फ्यूचर में भी ऐसी फन एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल यार। अगर आप और भी फन इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो आपके लिए हैं ये दो वीडियोस। वीडियो को यहां तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।